एमपीए सर्कुलर लॉ आज बताने जा रही हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या है देखो ज़रा बी डॉट डी एल इज़ इक्वल टू म्यू नॉट आई। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड और इसके अकॉर्डिंग लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड सरफेस, ये इंटीग्रेशन के साइन में सर्कल नज़र आ रहा है, ये क्लोज सरफेस के लिए है। दैट इज़ इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस। ये फ्री सरफेस में है, म्यू नॉट मैंने बताया हुआ, दिस इज़ कॉल्ड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी। तो एब्सोल्यूट परमेबिलिटी म्यू नॉट टाइम्स द टोटल करंट फ्लोइंग थ्रू एनी सरफेस, वो जो क्लोज्ड पाथ हमने लिया उसके लिए बी मैग्नेटिक फील्ड, डी एल जो है दैट इज़ ए स्मॉल एलिमेंट उसके लिए लेंथ। अब इसको अगर हमने प्रूव करना है तो हाउ वी कैन प्रूव इट, देखो क्या किया मैंने, ये लॉन्ग स्ट्रेट इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर लिया, करंट इसमें ये फ्लो कर रहा है आई, और मैग्नेटिक फील्ड इसके अराउंड जो होगा वो कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे, मैग्नेटिक फील्ड जो होगा इसके अराउंड कंसेंट्रिक सर्कल्स होंगे। हमने पीछे बार्ट सेवर्ट लॉ की एप्लीकेशन की थी और उसमें फाइंड आउट किया था मैग्नेटिक फील्ड का एक्सप्रेशन म्यू नॉट ओवर 4π2i ओवर, वहाँ शायद r किया था, यहाँ हमने अगर रेडियस वो कंसेंट्रिक सर्कल का a लेना है तो हम यहाँ पे a लिखेंगे। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये सर्कल जो है जिसका रेडियस a है वो कंसिडर कर लिया और इसके ऊपर एक स्मॉल एलिमेंट जो है जिसकी लेंथ डी एल एक्स वाई है, ये स्मॉल एलिमेंट इसकी लेंथ जो है वो हमने कंसिडर कर ली। और अब जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यही होगी, कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं तो इसका मतलब बी और डी एल दोनों सेम डायरेक्शन में होंगे। तो पहले हमने क्या किया, बी डॉट डी एल लिया, दिस इज इक्वल टू बी डी एल कॉस थीटा। अगर सेम डायरेक्शन में है तो थीटा की वैल्यू 0 डिग्री हो गई, कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है, सो इट विल बी बी डी एल। अब दोनों साइड पे हम क्या करेंगे, लाइन इंटीग्रल ले लिया क्लोज पाथ के लिए, तो बी डॉट डी एल इज इक्वल टू, यहाँ बी की वैल्यू पुट की, ऊपर से हम लेंगे बी की वैल्यू, यहाँ से हम बी की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे, सो म्यू नॉट ओवर 4π2i ओवर इन टू डी एल। तो अब इसमें जो टर्म कॉन्स्टेंट है वो बाहर ले ली, डी एल वेरी कर रहा है, ये हमने अंदर ले ली। डी एल किसके इक्वल है, दैट इज इक्वल टू सर्कमफ्रेंस 2πa, वैसे 2πr होती है ना, तो यहाँ रेडियस r की बजाय हमने रेडियस a लिया है, वैल्यू पुट की तो कैंसिल होके दैट कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई। दैट मीन्स के यही हमने प्रूव करना था, लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड एनी क्लोज्ड पाथ इन फ्री स्पेस दैट इज इक्वल टू म्यू नॉट टाइम्स द नेट करंट पासिंग थ्रू एनी सरफेस एनक्लोज्ड बाय द क्लोज्ड पाथ, दिस इज कॉल्ड एम्पियर्स सर्कुलर लॉ।